तिरुड़कर, हम अभी यहाँ पर आज़ाद मैदान जो मुंबई में फोर्ट एरिया में है वहाँ पर खड़े हैं, जहाँ हजारों किसान पूरे महाराष्ट्र से आ चुके हैं। यहाँ पर महापड़ाव आंदोलन होने जा रहा है। 3 दिन यहाँ पर आंदोलन रहेगा, जो कि 23 तारीख को नासिक से, पुणा से, सोलापुर से, पूरे मराठवाड़ा से, विदर्भ के कई जिलों से यहाँ पर किसान आज़ाद मैदान में आने के लिए निकल गए थे, जो अभी यहाँ पर आके पहुँच गए हैं। एक बहुत ही बड़ा वाहन जत्था नासिक से निकला, जो हम कवर करते करते यहाँ तक आए हैं। लगभग 15,000 किसान नासिक से मुंबई आ चुके हैं, जहाँ 300 से ज़्यादा गाड़ियाँ, मोटरसाइकिल और बाकी सब वाहनों से लोग यहाँ पर पहुँचे हैं। इसके जब हम लोग कुछ खेती करते हैं, उसका खेती होने के बाद जो कानून है वो सब ये है वो है, जो सब हम लोग को भ्रमित किया था, और अभी कुछ से खेती करने के बाद हम लोग को कुछ फायदा नहीं। इसमें खेती करेंगे इधर देंगे, ये अभी जो हमारा बीज आएगा वो ले लेंगे नहीं, और लेंगे तो उसका दाम जो है हम लोग को बहुत कम मिलेगा। इसके जो 3 कानून जो बनाया है, इसके खिलाफ हम लोग कायदे कानून बंद करा, आमच्या शेतील मालाला भाव द्या, असे आम्ही वलाला आलो तिथं। शेतीमध्ये आम्हाला काही उरत नाही, आम्ही शेतीत काम करू करू आम्ही थकून गेलो आहे। आमच्या मालाला अजिबात भाव नाही, कापसाला भाव नाही, सोयाबीनला भाव नाही, गव्हाला भाव नाही, मग याच्यासाठी आम्ही इथं मोर्चा घेऊन आलो आहे। हे देश किसानों का आहे, और उन पे जो ऍक्ट लगाया जा रहा है, और ऍक्च्युली हमको मानने हम लोग को नाही आहे, ऍक्च्युली हम लोग को ॲक्सेप्टेबल नाही आहे, सो हम लोग को विरोध करणे यहाँ आहे, और ऍक्ट लागू होणे हम देंगे ही नाही। उसके लिए हम लोग जो कुछ करना पड़े हम कर लेंगे। देखो, मोदी सरकार जो है वो जो गेंडे की कातड़ी जो है, जिसका वो नकाब पहना हुआ है, वो जो है हटेगा नहीं है। हम ऐसी जो है स्पेशल इकोनॉमिक जोन जो है, पहले ऐसा ही आया था, उसको फेंक दिया है ये किसानों ने, ये महाराष्ट्र के किसानों ने वो ऐसी जेड को भी फेंक दिया था। तो मोदी सरकार ने जो ये काला कानून वो किसानों को कारपोरेट घरानों के गुलाम बनाने के लिए किया है, तो उसके खिलाफ हम लोग है, और हम लोग लड़ाई ये जीतेंगे। जय जवान जय किसान। जनता क्या जो और मौका डाला है, जनता ने तुला मतदान देऊन मोठं केलं, खांद्यावर घेऊन वर उडवलं, त्याच्याकडे कापू लागला, दाबू लागला, बांधू लागला। यहाँ पे जो किसान केंद्र सरकार के जो कृषि कानून है उसके खिलाफ महाराष्ट्र के मुंबई में आज़ाद मैदान में एक जो मोर्चा उन्होंने निकाला है, वो मोर्चा थाने से मुंबई के लिए अभी निकल रहा है। तो सारे किसानों को शिंदे डॉक्टर श्रीकांत शिंदे फाउंडेशन की तरफ से हम 7,000 मास्क, पानी बॉटल, उसके बाद एनर्जी ड्रिंक, और उसके बाद एक 24/7 एम्बुलेंस हमने यहाँ पर रखी है, ताकि हमारे किसान भाइयों को कोई भी तकलीफ ना आए, और जो कुछ उनको इमरजेंसी अगर आपातकाल में मदद चाहिए उसके लिए हम सज्ज हैं। अभी 25 तारीख को राजभवन में हजारों की तादाद में ये जो संयुक्त क्षेत्रीय कामगार मोर्चा है, मतलब संयुक्त किसान कामगार मोर्चा है, इस मोर्चा के नेतृत्व में, जहां पर महाराष्ट्र की सभी राजनीतिक पार्टियां शामिल है, सिर्फ बीजेपी छोड़कर, ये सब लोग राजभवन पर जाएंगे, राजभवन में घेराव देंगे, और जो 3 कानून किसानों के खिलाफ किए हैं वो वापिस लो, जो 4 कानून कामगारों के खिलाफ मोदी सरकार ने किए हैं वो कानून वापिस लो, ये अपनी मांगे राज्यपाल के सामने रखेंगे।